नाजरीन, दिस इज़ शान फ्राम ज़ीहब यूट्यूब चैनल, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ जी। तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगा लाहौरीज के हवाले से, लाहौरियों को बहुत बहुत मुबारक दूँगा। जैसा कि कल लाहौर कलंदर ने अपना मैच क्वेटा से जीता है, बहुत बड़ी यानी कि उन्होंने जीत हासिल की है क्वेटा को इतना बड़ा स्कोर करके, और बहुत मज़ा आया कल का मैच देखने का। तो इसी सिलसिले में आज मैं लाहौरियों के साथ इस मैच के बारे में इंटरव्यू लूँगा, उनकी राय लूँगा और उनके कमेंट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर होंगे जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद एक भाई साहब है, उसे हम पूछते हैं कि कल मैच इन्होंने लाहौर कलंदर का देखा और वो क्या रिव्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं, कल लाहौर कलंदर अपना पहला मैच जीती है 3 मैचेस के बाद, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, इस बारे में मैं यही कहूँगा कि जी राना फवाद साहब ने जो है ना बहुत स्ट्रगल की है। मुझे पता चला है जी कि वो किसी दरबार पर भी गए हैं जिसका नाम है गाँव वाली सरकार, उन्होंने अपनी पूरी टीम को जो है ना काली पट्टियाँ ले के दी हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो जीत सकें। अगर आप उस दरबार के बारे में जानना चाहते हैं या उस बंदे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैमरा दिखा सकते हैं इस तरफ जिनसे उन्होंने पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि जी लाहौर टीम जो है वो एक मैच कम अज़ कम जीती है और इंशाल्लाह आज का मैच भी वो जीतेंगे इंशाल्लाह। जी, यहाँ पे एक मौजूद भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे लाहौर कलंदर के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल लाहौर कलंदर अपना पहला मैच जीती है, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, लाहौरी सारी वहाँ बहुत ज़्यादा खुश है इस मैच जीतने की वजह से। बहुत अच्छी तरह उन्होंने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की, इस वजह से सारा लाहौर बहुत खुश है। इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में भी वो अच्छी मतलब बड़ी पोजीशन रखे एक बार मैच जीते। आज इस्लामाबाद से मैच है, आप क्या बेस्ट विशेज लाहौरियों को देंगे? मैं यही हूँ इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने कल खेला इंशाल्लाह वो आज भी खेलेगा। कल एक बैट्समैन है बेन डंक आई थिंक वही थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे 10 छक्के 4 चौके मारे 93 रन थे उनका, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली है। तो इसकी वजह से सारे लाहौरी का जो जज्बा है वो एक दफ़ा फिर गेन हो गया, क्योंकि वो पहले 3 मैचेस लाहौरी हार चुके थे, तो उसकी वजह से उनका फिर भी लाहौरियों ने सपोर्ट किया लाहौर कलंदर्स को, और कल वाला मैच जीत के लाहौर कलंदर्स का फिर एक दफ़ा प्राउड में आ गए इंशाल्लाह वो आज के मैच भी जरूर जीते। लाहौर कलंदर ने अपना पहला मैच जीता, आप क्या कहेंगे? मुझे तो काफ़ी खुशी हुई क्योंकि लाहौर के अंदर लगातार ही मैच हार ही जा रहा था, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा लगा कल वो जीता है। तो ये कि वो राना फवाद जो है वो भी बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि सारी आवाम बहुत खुश है लाहौर के लाहौर के अंदर जीत गया है, क्योंकि बड़ी देर से आसे लगा के बैठे हुए थे कि लाहौर के अंदर जीते और वो कल आकर जीत ही गया वो। अच्छा, तो आज इस्लामाबाद के साथ मैच है एक मरतबा फिर, तो आज का मैच क्या कहते हैं, लाहौर जीतेगा? हाँ इंशाल्लाह हम लाहौर के साथ हैं, तो ये कि इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा वो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा है हर लाहौरी बहुत ज़्यादा पुरजोश है और आज के मैच को देखने में भी बहुत ज़्यादा पुरजोश है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन टुडे, मैच इस्लामाबाद के साथ आज मैच है और लाहौरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रखते हैं कि ये दूसरा मैच भी अपना जीतें और आगे मजीद मैचेस में खेलने के लिए क्वालिफाई करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।